पिछले 6 महीने से ये टैब जो है घर पर बंद पड़ा हुआ था, तो मैंने इसे नहीं निकाला था, वैसे ही डाल दिया था। जब मैंने वीडियो बनाने के लिए इसे निकाला तो मैंने देखा कि इसका डेटा केबल है वो टूटा हुआ है, तो देख सकते हो कितने मोटे का डस्ट है इसके ऊपर। सबसे पहले हम इसे साफ़ कर लेते हैं, आप देख लीजिए, आप कैसे चक चक हो गया है। खैर अब आपको दिखा देता हूँ, इसका ये चौड़े वाला पिन है ना, ये जो है ये टूट गया है, देख सकते हो जड़ से टूटा। इससे पहले भी ये टूटा था, भीतर से हमने इसे सजा रहा था पर भीतर से टूट गया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो आप जाकर देख सकते हैं, वैसे इस वीडियो में मैं आपको डायग्राम भी दे दूंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मेरा कॉलेज यहाँ से 10 किलोमीटर दूर है, मैं 10 किलोमीटर के अंदर जितने भी मोबाइल शॉप हैं, रिपेयरिंग के शॉप हो या फिर खाली भी शॉप जो बेचते हैं सामान, उनके पास जाकर मैंने पूछा दिखा कर कि ये वाला डेटा केबल मिलेगा या नहीं, तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि ये नहीं मिलेगा। तब जाकर मैं वीडियो बना रहा हूँ, तो मैंने सोचा मैं भी बना सजा रहा हूँ तो आप लोगों को भी बता देता हूँ आप किस तरह से सही कर सकते हैं। तो आप इस तरह का मॉड्यूल ले लेना है, ये जो है हमारा ब्लूटूथ, खराब ब्लूटूथ होता है स्पीकर, ब्लूटूथ स्पीकर और जो कान में लगाते हैं हैंडफोन स्पीकर वाला जो वो वाला है, इस दोनों का है। तो आप इसे किसी भी ले सकते हैं, आपको सिर्फ इसका कनेक्टर चाहिए होगा, ना कि ये मॉड्यूल चाहिए। अगर ये नहीं मिलता तो आप मार्केट से जाकर सिर्फ चार्ज पिन बोलकर लेकर आ सकते हैं, माइक्रो यूएसबी वाला आपको मिल जाएगा 10-15 रुपए में। तो आपको उसके इसे चार्ज में कनेक्ट कर लेना है, कनेक्ट करने के बाद तो आप देखना है ये अगर लाइट जल रहा है तो पिन अच्छा है, तो आपको इसे निकाल लेना। अब आप बोलेंगे इसे हाथ में क्यों नहीं थाम रहे, तो गाइज मैं आपको बता दूँ, हाथ में थामूंगा तो मुझे कनेक्ट लग सकता है, क्योंकि एक बार मुझे लगा था, इसलिए मैं कभी इसको हाथ में नहीं थामता हूँ। एक बार मैंने इसे पीसी बोर्ड को थाम कर जैसे ही मैंने चार्ज में लगाया, मेरे को झटका लगा था, वैसे जोर से नहीं, धीरे से लगता है। उसके बाद आपको प्लस माइनस चेक करना होगा, प्लस माइनस चेक करने के लिए बॉडी जो है कहीं भी आप लगा सकते हैं। ये माइनस वाला पॉइंट है, देख सकते होंगे 5 वोल्ट आ रहा है। अगर मैं यहाँ उल्टा दूँ, देखिए, तो अगर यहाँ उल्टा दूँ, आप यहाँ मल्टीमीटर पर देखेंगे तो हमें यहाँ माइनस शो हो रहा है, इसका मतलब हमारा जो कनेक्शन है मल्टीमीटर गलत लगा रहे हैं। तो इसका जो सही है मैं आपको एक बार दिखाता हूँ, ये वाला प्लस है और ये माइनस है, बॉडी जो है माइनस है, आप कहीं भी लगा सकते हैं। दूसरा साइड पिन जो है वो माइनस है और इस साइड का जो है प्लस है, तो आपको इसी तरह चेक कर लेना है, माइनस वोल्टेज आ रहा है तो आपने गलत लगाया है, आपको चेंज करके प्लस माइनस को देख लेना है। उसके बाद आपको कैसे कलेक्ट करना है वो, मतलब सोल्ड करना है वो बताता हूँ, लेकिन उससे पहले इसे आपको खोलना होगा, इसे आप धीरे से खोलना है। इसके अंदर जो पॉइंट है जहाँ पर जाकर हमारा तार लगता है वो पॉइंट नहीं टूटने चाहिए, प्लस माइनस वाले, बाकी जो दो हैं वो टूट जाएंगे तो भी चलेगा, लेकिन प्लस माइनस वाला नहीं टूटना चाहिए। अगर टूट जाएगा तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा, अगर नहीं होता है, अगर आपका टूट जाता है तो आप कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं उसके ऊपर भी एक वीडियो ले आऊंगा कि अगर आपका टूट गया तो आप किस तरह उसे सही कर सकते हैं। तो आपको सबसे पहले तो हम इसे खोल लेंगे सही तरीके से, तो हम यहाँ वीडियो को स्किप कर लेंगे। वीडियो इसमें दो तार लगे हुए हैं, इसमें रेड वाला जो माइनस है, ब्लैक वाला जो प्लस है, यहाँ उल्टा कनेक्शन है इसका, तो ऐसे ही आया था तो मैंने ऐसे ही कलेक्ट किया था। अगर मैं स्क्रीन पर डायग्राम डाल दूंगा, आप देख लेना किस तरह प्लस और किस तरह माइनस लगेगा, आप एक बार ध्यान से देख लेना जिस तरह हमें प्लस माइनस को ध्यान देना है। इसके लिए सबसे पहले तो हम इसमें जो है ये चाहे तो हम इसे निकाल के इसे कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर हम इसको छुड़ाएंगे टेप को तो ये टूट जाएगा, क्योंकि हमने इसे फेविक्विक डाला था। तो सबसे पहले तो हम इसे सोल्डिंग से छुड़ा लेंगे, आप चाहें तो अगर आपने फेविक्विक नहीं डाला यहीं से कनेक्ट कर सकते हैं, वरना आपको खोल लेना है। उसके बाद आपको सिंपल सा ये जो कनेक्टर है आपने जो लाया है उसे तोड़ लेना है, ब्लूटूथ वाला या फिर जो भी, अगर आपने नया लाया तो आपको तोड़ने का तो कोई जरूरत ही नहीं है, तो अगर आपने इस तरह निकाला है तो उसे तोड़ लेना। उसके बाद आपको इसके दे से जो बटन है उसे रिमूव कर लेना है, रिमूव करने के बाद आपको यहाँ पर प्लस माइनस जिस तरह आपने पहले चेक किया था उसी हिसाब से लगाना है, जिस तरह मैं लगा रहा हूँ देख सकते हो ये प्लस वाला हिस्सा है इस साइड का, आप चेक कर लेना आपका कौन सा प्लस वाला हो कौन सा माइनस वाला, वो कह नहीं जा सकता कि कौन सा कैसा हो सकता है। मैं ऐसे बोल दूंगा आप लगा देंगे तो फिर आपका टैप भी शॉर्ट हो सकता है, इसलिए आपको चेक करना है, चेक करके लगाना है। बॉडी में आप प्लस वाले को लगने मत देना, प्लस वाला तार थोड़ा सा छेल के सिर्फ उसके पिन में लगाना, और माइनस वाला बॉडी में टच होगा तो भी चलेगा, प्लस वाला टच नहीं होना चाहिए वरना शॉर्ट हो सकता है। इसके बाद आपको सिंपल सा मल्टीमीटर को यहाँ लेकर बीच में रखकर चेक करना आपका वोल्ट यहाँ आ रहा है या नहीं, जिस वाला प्लस वाला जो यहाँ है इस तरफ प्लस में आ रहा है या नहीं। अगर प्लस वाले इसमें आप लगा रहे हैं माइनस शो हो रहा है मल्टीमीटर में, तो आपका कनेक्शन गलत है, आपको कनेक्शन को चेंज करना पड़ेगा। जो प्लस में आपका लगा है माइनस वाला पॉइंट इसे निकाल कर प्लस में कर देना, प्लस वाला माइनस में कर लेना। आप चाहें तो पिन के पास से भी चेंज कर सकते हैं, चाहे यहाँ माइक्रो यूएसबी के पास से भी तार को चेंज कर सकते हैं, यानी जो प्लस का माइनस में लग गया है वो माइनस वाले इसको निकाल कर प्लस में लगा देना, अगर भूल है तो प्लस वाले को भी माइनस इस तरह कुछ कर लेना उल्टा है तो। सही करने का तरीका भाई सबको ही पता होता है, मैं बोल करके पंडित हूँ जो बोल दूंगा, तो आपको सबसे पहले तो उसे सही कर लेना, अगर गलत है उसके बाद आपको ग्लू गन ले लेना है, कोई सा भी ले लेना ग्लू गन तो चलेगा, उससे कोई लेना देना नहीं है। तो उसके बाद आपको इसे कनेक्ट करके 2 से 3 मिनट छोड़ लेना है, हीट हो जाएगा, हीट होने के बाद इसके मुंह से इस तरह कुछ आएगा बाहर, तो नीचे एक कागज रख देना अगर आप कहीं रख रहे हैं, उन्हें चूकर वहां लग जाएगा तो छूटेगा नहीं। फिर उसके बाद आपको पहले माइक्रो यूएसबी वाले साइड में लगाना है, लेकिन याद रहे अगर आपका कनेक्शन गलत है तो एक बार सही कर लेना उसके बाद ही लगाना, फिर बाद में इसे खोला नहीं जा सकता, सूखने के बाद इसे आप निकाल नहीं सकते, आपको भी पता होगा अगर आप यूज करते हैं। अगर आप पहली बार यूज करें तो आपको नहीं पता होगा, अगर आप यूज करें पहले से तो आपको पता होगा ये सूखने के बाद बहुत ज्यादा टान हो जाता है। अभी देखिए ट्रांसपेरेंट है, ये इसका मतलब अब ये सूखा नहीं है, हमें सूखने के लिए थोड़ा देर वेट करना होगा, 1 से 1.5 मिनट। उसके देखिए इस तरह पूरा गोरा हो जाएगा, कुछ दिखाई नहीं देगा, थोड़ा थोड़ा दिखाई देगा, इसका मतलब ये हार्ड हो चुका है। उसके बाद आप इस तार को चाहे तो छोटा लगा सकते हैं, वरना अगर पीछे लंबा है मेरे पास तो मैंने लंबा लगाया है, इस तरह मोड़ के रख के इस तरह ऊपर देकर इसे जो है ग्लू गन दे दूंगा, तो मैं वीडियो को स्किप करूँगा क्योंकि भाई इतना लंबा वीडियो बनाकर कोई फायदा ही नहीं है। देखिए
उसके बाद ग्लू लगा कर थोड़ी देर के लिए रख देना, सूख जाएगा। सूखने के बाद कुछ इस तरह का दिखे हो जाएगा, बहुत ही मस्त तरीके से। उसके बाद आपको इसे माइक्रो यूएसबी यहाँ कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद आपको अपने टैब के दे में इसे कलेक्ट कर लेना है, यानी जिस तरह आप लगाते हैं उसी तरह आपको यहाँ लगाना होगा। मैं यहाँ लाइव आपके सामने दिखा रहा हूँ लगा कर, लाइव प्रूफ। तो ये 6 महीने से बनता है, थोड़ा देर तो लेगा ही भाई, क्योंकि आप देखिए चार्ज यहाँ शो होने लग गया है। मुझे लगा था नहीं होगा क्योंकि 6 महीने से बंद था। अगर कोई बैटरी 6 महीने से बंद होता है तो वो तो काम ही करना बंद कर देता है, तो इसीलिए मैं यहाँ इसे थोड़ा देर वेट करेंगे। उसके बाद इसे हम पावर ऑफ ऑन कर लेंगे सबसे पहले, तो उसके बाद देखेंगे कि या हमारा क्या क्या प्रॉब्लम इसके अंदर और आता है। क्योंकि ये गिर गया था बहुत ऊंचाई से, टेबल के ऊपर था, से 1.5-2 फुट दूर में जाकर गिरा था टेबल के ऊपर से, क्योंकि बकरी बच्चा जो है कूद गया था ऊपर। तो कूदने के बाद तो टेबल लगा हुआ था डेटा का ना, तो वो टूट गया, टूट के छिटक के भाग गया। वैसे तो हम इसका टच भी बहुत ज़्यादा फूट गया है, पिछले वाला वीडियो अगर आपने देखा होगा आपको पता होगा थोड़ा सा फूटा हुआ था। अब देखिए ये इस तरह का एक प्रॉब्लम आ रहा है, इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मैंने पिछले वीडियो में बता रखा है और इस वीडियो में मैं आपको बताता हूँ इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने का एक ही तरीका है। उसमें मैंने अलग अलग तरीका रखा है कि चार्जर निकाल के लगाना होगा उल्टा पुलटा करके, ऐसा नहीं है। आपको अपने डिवाइस को पावर ऑफ करके यहाँ रख देना है, ऑफ करके रख देंगे तो ऑटोमेटिक फुल चार्ज हो जाएगा। उसके बाद आप ऑन करके इसे यूज कर सकते हैं। उसके बाद मैं यहाँ आपको दिखा देता हूँ एमएक्स प्लेयर चला के, देख सकते होंगे ये यहाँ चल रहा है वीडियो। ये जो है ये अगर आप बोलेंगे कॉपीराइट आया तू तो गया बेटे, तो ऐसा नहीं है, कॉपीराइट नहीं आएगा क्योंकि ये मेरी मूवी चैनल में अपलोड है उड़िया लैंग्वेज में। अगर आप उड़ीसा से हैं तो आप जाकर इस वीडियो को देख सकते हैं। खैर वो तो आप बाद में देख लेंगे, उससे कोई लेना देना नहीं है। अगर आप देखने वाले होंगे सर्च करेंगे तो हमारा ही वीडियो आता है। तो उसके बाद आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इस प्रॉब्लम को जैसे फिक्स करना है, जो छक्की आ रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। उसके लिए आपको सबसे पहले अपने डिवाइस को पावर ऑफ कर लेना है, लॉक प्रेस करके रखना, पावर ऑफ में चले जाना। उसके बाद आपको यहाँ ओके करना है। ओके करने के बाद आपका जो पावर है ऑफ, पावर ऑफ हो जाएगा डिवाइस। पावर ऑफ होने के बाद आपका जो है वो ऑटोमेटिक यहाँ चार्ज होने लग जाएगा। तो यही था आज का वीडियो। वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, कोई सवाल है कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की पूरी पूरी कोशिश करूँगा। अब ये चार्ज हो रहा है।